बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन मायोनीज सैंडविचेस और साथ बना रही हूँ फ्राइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी फ्राइज। फ्राइज के लिए मैंने आलू को काट के धो के अच्छी तरह से तो उनको पानी स्ट्रेन कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में इसमें ऐड करूंगी तकरीबन 2 बड़े टेबलस्पून। और 2 चुटकी बस नमक ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और ये देखें फ्राइज हमारे जो हैं फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। और ये शाल मेरे पास आई थी क्योंकि इसको चोट लग गई थी तो ये रोते हुए मेरे पास आ गई थी। अब मुझे बता रही थी उसको चोट लगी है। अब मैं बनाऊंगी सैंडविचेस के फिलिंग। इसके लिए लिया मैंने 1 कप मायोनीज। इसको अच्छी तरह से मैं बर्तन साफ कर लूंगी क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी क्योंकि मायोनीज में भी नमक होता है और जब मैंने चिकन को बॉईल किया था उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था, इसे नमक मैं कम ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप चिकन जो मैंने बॉईल करके फ्रेड कर लिया था। और 1/2 कप मैं इसमें ऐड करूंगी बंद गोभी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये देखें फिलिंग हमारी रेडी है। और इस तरह से ब्रेड के किनारे काट के मैं इसके अंदर फिलिंग लगा दूंगी।
और ये देखिए मज़ेदार से सैंडविचेस हमारे रेडी हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। और आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।